नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, अवसर और सूर्य देव में सिर्फ एक ही समानता है कि देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। और दोस्तों, सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। और जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करिए, एक दूसरे को परखने का नहीं। और दोस्तों, दुनिया में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सबसे पहले किसी का पूरा सोचना बंद कर दो। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने जिंदगी में गलतियाँ तुमसे ज्यादा की है। और दोस्तों, बात करनी है परंतु सत्य है कि लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है, परंतु यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और असफलता और सफलता दोनों ही अवस्थाओं में लोग तुम्हारी बात करेंगे, सफल होने पर प्रेरणा के रूप में और असफल होने पर सीख के रूप। किसी ने ठीक कहा है, फिर से मुझे मिट्टी से खेलने दे जिंदगी। ये साफ सुथरी जिंदगी मिट्टी से ज्यादा गंदी नजर आती है। और दोस्तों, दूसरों को सहयोग देकर ही हम उन्हें अपना सहयोगी बना सकते हैं, उनसे हाथ छुड़ा कर नहीं। और छोटी छोटी बातों में आनंद खोजना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें जीवन में जन्म ही नहीं लेती। और कुछ चीजें कमजोर की हिफाजत में महफूज रहती है, जैसे मिट्टी के गुल्लक में लोहे के सिक्के। बस बात सारी विश्वास की होती है। और सबको उसी तराजू में तौलिए जिसमें खुद को तौलते हो, फिर देखना लोग इतने भी बुरे नहीं हैं जितना आप उन्हें समझते हैं। और कितना अजीब है दुनिया का दस्तूर, लोग इतने जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। और दोस्तों, जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर है और कोई अपनों के खातिर सपनों से। और सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। और दोस्तों, मैंने बुजुर्ग से पूछा कि आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है, तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि इज्जत किसी इंसान की नहीं, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म है तो इज्जत खत्म है। और जिंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा है जिसको हजारों साल बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिलों पर राज किया जा सकता है। और दोस्तों, जब भी ब्रेक करो तो भगवान से इतना कहना कि प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना बस इतना देना कि जिससे आस्था ना खो जाए। और दुनिया में छोड़ जाना ऐसा कुछ है तो दूसरों को नीचा दिखाना छोड़ दो। और खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।